आप देख रहे हैं द आजादाबाद। आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश रछाड़िया। इनसे जानते हैं जब ये चुनाव लड़ते थे तो कैसे स्थिति रहती थी और आज की स्थिति में क्या रहती है। नमस्कार। नमस्कार अंकल, जब आप चुनाव लड़ते थे तब के चुनाव में और आज चुनाव में क्या अंतर महसूस करते हैं? काफी अंतर है। चुनाव में वर्तमान में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हमारे वक्त में इतने खर्चे नहीं हुआ करते थे। अब तो निर्वाचन आयोग ने भी 40 लाख तक के लिए वो कर दिया है कि 40 लाख रुपए खर्चे तक वो, यानी एक कैंडिडेट 40 लाख जो है खर्च करेगा, तो बिल्कुल नेचुरल है कि वो बढ़े हैं। जबकि इलेक्शन आयोग ने बहुत सारे रोक लगा दी है, प्रचार प्रसार पर बैनर पोस्टर और इस सब की सीमा कर दी है, वो कर दिया है, तो उस हिसाब से खर्चे कम होना चाहिए थे लेकिन नहीं हुए हैं। और ये खर्चे कैसे क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है, ये तो वर्तमान जाने। बहरहाल हमारे वक्त में इतना खर्चा नहीं था। आपने कई सरकारें देखी, कई सरकारों को आपने देखा है, लगता नहीं है कि प्रदेश को जो आगे बढ़ना था वो प्रदेश पीछे होता जा रहा है? असल में प्रदेश को किसी या देश को या समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए, योजनाएं होना चाहिए, आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए कि सर्टेन 1990 के बाद लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे सरकार स्थापित की जाए और कांग्रेस को कैसे आउट किया जाए। जैसे सबसे पहले आप बीपी सिंह को आ जाइए, बीपी सिंह ने लिए और उन्होंने मामले उछाले, मामला उछालती है बीजेपी, उन्होंने उछाला, मालूम बोफोर्स को ही उछाल दिया, वो किया, बोफोर्स के ऊपर सारी इंक्वायरीज जो उस वक्त वर्तमान में राजीव गांधी थे उन्होंने एस्टेब्लिश की थी और उन्होंने सारी इंक्वायरी जुडिशली से लेके आईबी सीबीआई की, इसके संसदीय समिति की, और सारी इंक्वायरीज ने उसको वो किया, लेकिन एक मॉब बना दिया न्यूज चैनल्स ने और न्यूज पेपर्स ने और पॉलिटिकल पार्टी ने, उससे लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह डिफेक्टर हुए और उन्होंने जाकर के गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने मंडल कमंडल खोल दिया। तो मंडल और कमंडल की राजनीति में प्रदेश को तबाह कर दिया। कोई भी उद्योग धंधे नहीं लगे, कोई नई योजनाएं नहीं आई। बीच में सेंट्रल में नरसिम्हराव गवर्नमेंट आई, उन्होंने मेजर पॉलिसीज अडॉप्ट की, मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे, तो उससे आज वित्तीय स्थिति संभली देश की, कि जिससे कि जब ये आए अटल बिहारी वाजपेयी तो उन्होंने सरकारी चीजें बेचना शुरू की, नरेंद्र मोदी ने तो एक आध दो बच जाए तो बच जाए, वरना कोई चीज नहीं रह गई, हवाई एयर इंडिया, एयर इंडिया बेच दिया, पेट्रोल की जो कंपनियां थी बड़ी बड़ी वो बेच दी, बीएनएसएल बेचने वाले हैं, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये कि वो सरकारी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करते जा रहे हैं जो किसी तरह से गवर्नमेंट ने बना के रोजगार को किया था, और जो पहले से सृजित रोजगार हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया कि जिससे लोगों को नए रोजगार का नाम उपलब्ध हो सके, ना झांसी अपने जिले में, झांसी जिले में, ना प्रदेश में, कहीं भी आप कैटेगरिकली किसी टारगेट नहीं कर सकते कि ये नया वो आया जिसमें रोजगार का सृजन हो। और हर चीज को कॉस्टली कर दिया है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई हो। जब चुनाव में इतना ज्यादा कॉस्टली चुनाव होगा कि कॉमन मैन या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे तो कैसे ये लोकतंत्र का क्या मायने होगा अगर केवल पैसे वाला ही और अपने साधन वाला ही चुनाव संपन्न कराएगा साधारण आदमी नहीं। पहले तो किसी के पास कुछ नहीं होता था, कुर्ता पजामा है वो भी चुनाव लड़ने लगता था, पब्लिक उसकी बात सुनती थी,
और अगर जैसे आप लोहिया पार्टी में देखिए तमाम लोग ऐसे थे, कांग्रेस में तमाम लोग ऐसे थे कि जो जिनके पास कुछ नहीं है, पंडित रामसाया शर्मा थे, उन्होंने 300 रुपए में चुनाव लड़ लिया था, कोई सोच सकता है। एमएलए हुए थे 1952 में, एमएलए रहे पंडित रामसाया शर्मा गुसराए गरौटा जिस से, तो तब और अब में बहुत अंतर है, आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण का बड़ा मुद्दा उठा, ब्राह्मण समाज का। ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले 6-7 मुख्यमंत्री में ब्राह्मण समाज का नहीं आया। मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, मायावती और अब योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण समाज को क्या सम्मान बीजेपी दे पाई है? अकेला बीजेपी पे आप क्यों कहते हैं? सपा बसपा भी नहीं, सपा बसपा जात आधारित पार्टियां हैं, तो ये जब भी जैसे कि ओबीसी आएगी तो अखिलेश सिंह ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये ध्रुव सत्य। अगर बहुजन समाज आएगी तो मायावती ही बनेगी, ये ध्रुव सत्य। बीजेपी ने जब से जनसंघ थी, जनसंघ से लेके आज की तारीख तक कभी किसी ब्राह्मण को किसी भी स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके यहाँ जितने हैं सब क्षत्रिय एक ही समाज के मुख्यमंत्री हैं। कैसे निर्णय लेते हैं, क्यों निर्णय लेते हैं, उसके पीछे उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या उनका ख्याल है, ये वो जाने। लेकिन 14 में जब कांग्रेस का पतन होना शुरू किया तब 14 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण थे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्राह्मण इस बात को सोच ही नहीं सकता। वैश्य है, ब्राह्मण है, वैश्य है, वैश्य किसी ने नहीं बनाया। केवल कांग्रेस में सीबी गुप्ता 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, प्रकाशन सेठी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, इसके अलावा इन लोगों ने कभी नहीं बनाया। दो ढाई ढाई महीने के लिए बीजेपी ने बनाया, लेकिन ब्राह्मण और बनिया बिल्कुल अपना उनकी खड़ाओं की पूजा करता रहता है, और उसे ना उसे कुछ मिलना है, ना राजनीतिक, ना इनको मिलना है, ना सामाजिक मिलना है, ना राजनीतिक मिलना। उन्हें अपना चंदे के धंधे के अलावा कोई टाइम नहीं है, और अपना अनशन बयान देना, भाषणबाजी करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिन भर झूठ बोलना, झूठ की ट्रेनिंग देना। अपने यहाँ उपनिषदों में, अपने यहाँ उपनिषदों में कहा जाता है वेदों में कि जैसा राजा होगा।